नमो भगवती वासुदेवाय, द्वादश मंत्र जो कहलाए, मन से मंत्र का जाप जो करते, उनके सारे काम संवरते। जब जब बढ़ा पाप का भार, तब तब हरि लिए अवतार, निज भक्तों के कष्ट को हरते, सत्य धर्म की रक्षा करते। दिल से जो हरि नाम को ध्याए, वो हरि के हरि उनके हो जाए, डूबती नैया पार लगाए, सदा भक्त पे रहते सहाय। हरि नाम का सुमिरन करते, पापी भी भव पार उतरते, सबसे प्यारा पावन नाम, सफल करे भक्तों का काम। निर्बल को श्री हरि अपनाते, दुष्ट जनों को मार गिराते, भक्त वत्सल कृपा निदान, ये हैं सब देवों में महान। शंख चक्र गदा लिए हाथ, श्री हरि हैं नाथों के नाथ, सारे देवता शीश झुकाते, नारायण नारायण गाते। शेष नाग को सैया बनाए, श्री लक्ष्मी जी पाँव दबाए, फिर सागर नित पाँव को धोता, हरि भजे वो हरि का होता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहिं बहुविधि सब संता, हरि का सब हरि कीर्तन करते, भव सागर से पार उतरते। जिसने भी हरि नाम को गाया, उसने श्री विष्णु को पाया, श्री हरि जी की कृपा पा, वो है जग के पालनहार। तुलसी दल हरि के मन भाए, जो तुलसी का भोग लगाए, श्री हरि उन पे खुश हो जाते, अपनी कृपा उन पे बरसाते। विष्णु नाम सबसे बड़ा वेद पुराण बताए, जो इनका सुमिरन करे जीवन धन्य हो जाए। मधुर मनोहर अति मन भावन, नाम प्रभु का सबसे पावन, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि का होई। है ग्रीव ने पृथ्वी को उठाया, अपने संग पाताल मिलाया, लिए प्रभु वाराह अवतार, है ग्रीव का किए संहार। मधु कैटभ उत्पात मचाया, ब्रह्मा जी को बंदी बनाया, तब श्री हरि ने रच के माया, मधु कैटभ को मार गिराया, ब्रह्मा जी को मुक्त कराए, प्रजापति के प्राण बचाए। सारे देव कर जय जयकार, हरि की महिमा अपरंपार। जन्म मरण का संशय गयऊं, नाम जपत शिव अमर हो गयऊं, हरि नाम की महिमा भारी, जपते जिनको सब नर नारी। न्याय प्रिय विष्णु भगवान, संकट मोचन कृपा निधान, सिंधु सुता संग सिंधु में रहते, तीनों लोकों में विचरण करते। प्रिय करुण है इनकी सवारी, जिनकी शोभा सबसे न्यारी, उड़ते रहते हैं ये नभ में, श्री हरि का अंश है सब में। हिरण्यकश्यप था समरथ पापी, जिसके डर से धरती कांपी, त्राही त्राही मची चारों ओर, चलने न पाए किसी का जोर। भक्त प्रहलाद को बहुत सताया, पर्वत से नीचे था गिराया, तनिक न प्रभु जी देर लगाए, आके भक्त की जान बचाए। फिर भी पापी नहीं था माना, अपने को भगवान था जाना, किसी का कहना कभी न माने, असुर को सारी दुनिया जाने। श्री विष्णु भगवान है जग के पालनहार, इनकी भक्ति भक्तों का सपना करे साकार।
अपने नाम की रट लगवाता, मैं ही प्रभु हूँ सबको बताता, जो ना रटता उसका नाम कर देता था काम तमाम। भक्त को खंभे से बंधवाया, पापी ने तलवार उठाया, बोला कहाँ तेरा भगवान, प्रकट हुए तब कृपा निधान। बोले कण कण मेरा वास, रहता सदा भक्तों के पास, जो भी भक्त का हित करेगा निश्चित मेरे हाथों मरेगा। मेरे सिवा कोई कहीं न दूजा, जिसने मुझे जिस रूप में पूजा, उसने मुझे उस रूप में पाया, प्रभु ने दुष्ट असुर को बताया। कभी नहीं मैं किसी से डरता, सबकी इच्छा पूरी करता, तू भी ना बचने पाएगा, मेरे हाथों मारा जाएगा। हिरण्यकश्यप को प्रभु उठाए, अपनी जंघा उसे लिटाए, लेके नरसिंह का अवतार, हिरण्यकश्यप का किए संहार। रावण जब उत्पात मचाया, सारे देवताओं को हराया, ग्रह नक्षत्र को बंदी बनाया, सामने कोई टिकने ना पाया। साधु संत को लगा सताने, किसी का कहना असुर न माने, करने लगा असुर शैतानी, होने लगी धर्म की हानि। साधु संतों ने किया पुकार, लिए प्रभु रामा अवतार, धर्म की रक्षा करने आए, देख सभी के मन हर्षाए। राम रूप में विष्णु आए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहाए, जिनसे बड़ा है जिनका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अभिमानी अधम असुर करते अत्याचार, श्री विष्णु अवतार ले करते हैं संहार। रण में प्रभु रावण को मारे, संतों को संकट से उबारे, धरती का संताप मिटाए, धर्म का झंडा लहराए। तुलसी माँ जब ध्यान लगाई, पति रूप में हरि को पाई, तुलसी बिन रहे भोग अधूरा, तुलसी का सपना हुआ पूरा। श्री हरि सोलह कलावतारी, ब्रज में बन के आए मुरारी, बंदी गृह में लिए अवतार, सो गए सारे पहरेदार। बंदी गृह का टूटा ताला, वासुदेव ने उन्हें संभाला, टोकरी में तब प्रभु को उठाए, यमुना जी के तट ले आए। यमुना जी ने जल को बढ़ाया, हरि ने पांव नीचे लटकाया, पावन चरण को यमुना चूमी, मगन हो के मस्ती में झूमी। वासुदेव के सिर पे सवार, किए कृष्ण यमुना को पार, नर नारी कोई जान न पाया, हरि ही जाने हरि की माया। कृष्ण कंस को मार गिराए, धरती का संताप मिटाए, देकर के गीता का ज्ञान, सारे जग का किए कल्याण। विष्णु को जो मन से ध्याए, अंत में परम गति को पाए, भक्तों को प्रभु राह दिखाते, भव से नैया पार लगाते। श्रद्धा से हरि नाम को गाओ, मानव जीवन सफल बनाओ, हरि का कीर्तन घर में कराओ, जो मन चाहे वो फल पाओ। हरि की चरण धूल जो पाए, तो कंकड़ हीरा हो जाए। विष्णु जी का नाम है प्यारा, रवि संजय को दिए सहारा। नैया जो डगमग डोले, हंसे बीत मझधार, लक्ष्मीपति विष्णु करे भवसागर से पार।
गुरुवार है, विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। जनों पर संकट आया है भारी, संकट आया है भारी, जब जब तेरे भक्त जनों पर संकट आया है भारी, संकट आया है भारी, तब तब तुम धरती पर आए चक्र सुदर्शन धारी, चक्र सुदर्शन धारी। सबके पालनहार है, विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सागर में शेषनाग की शैया पे लेटे रहते हैं, शैया पे लेटे रहते हैं, सागर में शेषनाग की शैया पे लेटे रहते हैं, शैया पे लेटे रहते हैं। तेरी कृपा बिन तृण ना डोले, वही होता जो चाहते हैं, वही होता जो चाहते हैं। करन करावन हार है, विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। तुमने रावण का संहार किया, रावण का संहार किया, राम रूप में आके तुमने रावण का संहार किया, रावण का संहार किया। कृष्ण रूप में आए तो प्रभु कंस को तुमने मार दिया, कंस को तुमने मार दिया। धर्म के पहरेदार हैं, विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। डर से जब प्रहलाद पुकारा है, जब प्रहलाद पुकारा है, भक्त की जान बचाई तुमने, हिरणकश्यप को मारा है, हिरणकश्यप को मारा है। नरसिम्हा अवतार है, विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार।
सदा शोभे कर में, और कमल का फूल है, और कमल का फूल है। सब रत्नों से बढ़कर स्वामी आपके चरणों की धूल है, आपके चरणों की धूल है। जो पाए भव पार है, विष्णु जी का वार है, ये सच्चा दरबार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। भगवते वासुदेवाय। अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। पालनकर्ता भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालन करता है, अपने भक्तों की सदा पुकार सुनते हैं, सदैव उनके सारे बिगड़े काम बनाते हैं, और संकट के क्षण में जब भी कोई भक्त भक्त परायण विष्णु भगवान को पुकारता है, तो एक क्षण मात्र का विलंब किए बिना भी दौड़े चलकर आते हैं और अपने भक्त को संकट से उबारते हैं। तो आइए भक्तजनों, गज और ग्राह की इस पावन कथा को सुनते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे भक्त ने एक बार पुकारा और भगवान दौड़े चले आए। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, जब भक्तों पे संकट आया, जब भक्तों पे संकट आया, दूर किए भगवान। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, गजराज था सुंदर, वो रहता पर्वत ऊपर, प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर, प्रेम करते थे उससे सभी जंगल के जानवर। झुंड के बीच में चलता, मस्ती में झूमता रहता, विष्णु का परम भक्त वो सदा नारायण कहता, जंगल के सारे जीवों का, जंगल के सारे जीवों का करता था सम्मान। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान,
भोला भाला गजराज भगवान विष्णु का परम भक्त था। दिन में खेलता खाता मस्त रहता और सुबह शाम आठों याम भगवान विष्णु को याद करता रहता था। भगवान विष्णु को वो अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुंदर से सरोवर के नजदीक जा पहुंचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतरकर पानी पानी खेलने लगा। वो सब अपनी सूंड में पानी भरते और एक दूसरे पर फेंक कर बड़े मजे से खेल रहे थे। झुंड के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे पानी पानी, शाम थी बड़ी सुहानी। सूंड में पानी लेके एक दूजे पे फेंके, ग्राह ने गज के पांव को घसीटा मुंह में लेके। गज का पांव जब ग्राह ने पकड़ा, गज का पांव जब ग्राह ने पकड़ा, हुए सभी परेशान। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, सुंदर गंधर्व जो देवल ऋषि के शाप से तालाब में मगरमच्छ बन गया था। वो मगरमच्छ गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़कर गहरे पानी में खींचने लगता है, जिसे देखकर हाथियों का झुंड परेशान हो जाता है। मगर चूंकि पानी बहुत गहरा होता है, इस वजह से चाह कर भी कोई ग्राह की मदद नहीं कर पाता है। ग्राह और गज के बीच घमासान लड़ाई होती है, मगर ग्राह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। वो बलपूर्वक गज को पानी के अंदर खींचता है और गज का आत्मविश्वास और बल धीरे धीरे जब जवाब देने लगता है तो वो हरि को पुकारता है। ग्राह ने जोर लगाया, पांव में दांत गड़ाया, हाथी के बहते लहू को वो पीकर प्यास बुझाया। ग्राह और गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर, पी के गजराज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर। श्री हरि को तब गज ने पुकारा, श्री हरि को तब गज ने पुकारा, संकट में थे प्राण। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीषण लड़ाई होती है। ये लड़ाई 6 महीनों तक चलती है
विग्रह। दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है और खून बहने से गजराज कमजोर होता जाता है। अंत में गजराज को जब ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा, तो वो भक्त वत्सल भगवान विष्णु को करुणा भाव से पुकारता है और आगे क्या होता है। प्राण संकट में पाकर गज ने विष्णु को पुकारा, विष्णु जी दौड़े आए चक्र से ग्राह को मारा। ग्राह गंधर्व बन गया, हरि की शरण में आया, हरि को पिछले जन्म की वो सारी बात बताया। दोनों को वैकुंठ मिले, दोनों को वैकुंठ मिले, विष्णु ने दिया वरदान। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। भक्त वत्सल भगवान भक्त के मन की बात जानते हैं और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को पुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते। और इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी कहते हैं कि अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कच्छप बन के आए, पीठ पे मंदराचल पर्वत
बढ़ाए, श्री हरि विष्णु जी। प्रभु जब आए, हिरण्याक्ष को मारे पृथ्वी बचाए, धर के वाराह रूप प्रभु जब आए, हिरण्याक्ष को मारे पृथ्वी बचाए, जय विजय जय विजय का किए उद्धार श्री हरि विष्णु जी। जब आया नरसिंह रूप तब प्रभु ने बनाया, नरसिंह रूप तब प्रभु ने बनाया, भक्त प्रहलाद पे संकट जब आया नरसिंह रूप तब प्रभु ने बनाया, नरसिंह रूप तब प्रभु ने बनाया, हिरण्यकश्यप कश्यप दिए मार श्री हरि विष्णु जी। संस्कार श्री हरि विष्णु जी। पापों
विस्तार होगा, अंत समय कल की अवतार होगा, कलयुग में पापों का विस्तार होगा, अंत समय कल की अवतार होगा, अंत समय कल की अवतार होगा। पाप पाप मिटाए हर बार श्री हरि विष्णु जी, झूठा संसार है,
सबके यार हैं। क्यों मुंह लगाना ये तो झूठा संसार है। प्रभु नाम से प्रीत लगा ले, प्रभु नाम से प्रीत लगा ले। पल की खबर नहीं, ओ पल की खबर नहीं। सच्चा इंसान है, नाम पियाला जिसने पिया वो महान है, पर उपकार करे जो सच्चा इंसान है। नाम पियाला जिसने पिया वो महान है। उसकी सतगुरु कर रखवाली, उसकी सतगुरु कर रखवाली। पल की खबर नहीं, ओ पल की खबर नहीं। प्यारा तन ये तेरा प्रभु ने बनाया है, माया धन सुख में तूने नाम को भुलाया है, हो कितना प्यारा तन ये तेरा प्रभु बनाया है। माया धन सुख में तूने नाम को भुलाया है। गुरु शरण अभूल सुधारी, गुरु शरण अभूल सुधारी। पल की खबर नहीं, ओ पल की खबर नहीं। पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। हरि नाम की माला जप ले,
हरि नाम की माला जप ले, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं।
से अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नयावे। आभूषण से अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नयावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पे, देह पड़ी रह जाए यहीं पे, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, बस नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो। रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो। जब मंजिल
चौखट पे तेरी मनमोहन चौखट पे तेरी मनमोहन अंतिम प्रणाम हमारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को शयन करूं, जब चिता पे जाके शयन करूं, मेरे मुख में तुलसी दल देना, मेरे मुख में तुलसी दल देना, इतना बस काम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को हर्ष भगत का सांवरिए, रविराज भगत का सांवरिए, नहीं आना कभी भी दोबारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, अपने भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। पालन करता भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि के पालन करता है, अपने भक्तों की सदा पुकार सुनते हैं, सदैव उनके सारे बिगड़े काम बनाते हैं, और संकट के एक क्षण में जब भी कोई भक्त भक्त परायण विष्णु भगवान को पुकारता है, तो एक क्षण मात्र का विलंब किए बिना भी दौड़े चलकर आते हैं और अपने भक्त को संकट से उबारते हैं। तो आइए भक्तजनों, गज और ग्राह की इस पावन कथा को सुनते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे भक्त ने एक बार पुकारा और भगवान दौड़े चले आए। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। जब भक्तों पे संकट आया, जब भक्तों पे संकट आया, दूर किए भगवान। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। एक गजराज था सुंदर, वो रहता पर्वत ऊपर, प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर, प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर। झुंड के बीच में चलता, मस्ती में झूमता रहता, विष्णु का परम भक्त वो सदा नारायण कहता। जंगल के सारे जीवों का करता था सम्मान। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। भाला गजराज भगवान विष्णु का परम भक्त था। दिन में खेलता, खाता, मस्त रहता और सुबह शाम आठों याम भगवान को याद करता रहता था। भगवान विष्णु को वो अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुंदर से सरोवर के नजदीक जा पहुंचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतरकर पानी पानी खेलने लगा। वो सब अपने सूंड में पानी भरते और एक दूसरे पर फेंक कर बड़े ही मजे से खेल रहे थे। झुंड के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे पानी पानी, शाम थी बड़ी सुहानी। ग्राह ने गज के पाँव को घसीटा मुँह में लेके, ग्राह ने गज के पाँव को घसीटा मुँह में लेके, गज का पाँव
परेशान करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का बड़ा ही सुंदर गंधर्व जो देवल ऋषि के श्राप से तालाब में मगरमच्छ बन गया था, वो मगरमच्छ गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़कर गहरे पानी में खींचने लगता है, जिसे देखकर हाथियों का झुंड परेशान हो जाता है। मगर चूंकि पानी बहुत गहरा होता है, इस वजह से चाहकर भी कोई गज की मदद नहीं कर पाता है। ग्रह और गज के बीच घमासान लड़ाई होती है, मगर ग्रह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं लेता। वो बलपूर्वक गज को पानी के अंदर खींचता है और गज का आत्मविश्वास और बल धीरे धीरे जब जवाब देने लगता है तो वो हरि को पुकारता है और क्या कहता है। ग्राह ने जोर लगाया, पाँव में दांत गड़ाया, हाथी के बहते लहू को वो पीकर प्यास बुझाया। ग्राह और गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर, पी के गजराज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर। श्री हरि को तब गज ने पुकारा, श्री हरि को तब गज ने पुकारा, संकट में थे प्राण करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का गुणगान। प्रिय भक्तों, ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीषण लड़ाई होती है और ये लड़ाई 6 महीने तक चलती है। ग्राह दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है और खून बहने से गजराज कमजोर होता जाता है। अंत में गजराज को जब ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा, तो वो भक्त वत्सल भगवान विष्णु को करुणा भाव से पुकारता है और क्या कहता है, आइए सुनते हैं। प्राण संकट में पाकर गज ने विष्णु को पुकारा, विष्णु जी दौड़े आए चक्र से ग्राह को मारा। हरी को पिछले जन्म की
भक्तजनों, भक्त वत्सल भगवान भक्त के मन की बात जानते हैं। और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को पुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते। और इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी जी कहते हैं, अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री विष्णु भगवान जी की। वीरवार दिन विष्णु जी का हो, वीरवार दिन विष्णु जी का नारायण कहलाते। विष्णु जी की कथा सुनाते, पावन गाथा गाते। श्री हरि की कथा सुनाते, पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। भक्तजनों, इस सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु भगवान की पावन गाथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पीतांबरधारी भगवान श्री हरि, जिनका चतुर्भुज रूप अत्यंत अनुपम और पावन है, अपने हाथों में भगवान शंख चक्र और गदा पद्म इत्यादि धारण करते हैं तथा भक्तों का सदा उद्धार करते हैं। तो ऐसे नारायण हरि की पावन कथा सुनने हेतु उनके चरणों का ध्यान लगाते हुए मेरे साथ बोलिए, बोलिए श्रीमन नारायण हरि हरि। है सबके पालन हारे ये कहते ऋषि महात्मा, भगवान मेरे श्री विष्णु सर्वव्यापक हैं परमात्मा। विष्णु जी की शक्ति से संचालित है जग सारा, है माता लक्ष्मी संग में नित गूंजे जय जयकारा। श्री हरि जी सगुण है भक्तों, विष्णु हरि निर्गुण भी है। शंख और चक्र हाथ में, गदा विधारे कर भी। अति सोहे किरीट कुंडल हर पीतांबर धारी, कौस्तुभ मणि को धारण करते वनमाला अति प्यारी। सुंदर कमल से नैना जिनके मन को बहुत लुभाते, हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों अनेक अनेक रूप हैं और अनेकों नाम हैं, परंतु जिस भी नाम को उच्चारिए परिणाम तो एक ही होता है। जगत के पालन हारे अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु एक आवाज पर दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो आइए हम भी नारायण के नाम का उच्चारण करते हैं। है पद्म पुराण में वर्णन, परमार्थ तत्व है विष्णु। वे ब्रह्मा शंकर के संग सृष्टि के कारण विष्णु। कोई कहता है नारायण, कोई वासुदेव पुकारे, कोई अच्युत कहे परमात्मा नित झुकता जाके द्वारे। कोई हिरण्य गर्भ है कहता, कोई शाश्वत कृष्णा, कोई शिव ईश्वर कहता महिमा का प्यारा वर्णन। है अनेकों नाम तो इनके, रोम रोम में वासा। वो जीव है भाग्यशाली मन दर्शन का प्यासा।
संपूर्ण जीवन के स्वामी दर्शन भी दे जाते। हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि। अपने भक्तों के कल्याण हित भगवान श्री हरि नारायण ने 10 अवतार धारण किए भक्तों, जिन्हें मत्स्य, कूर्म, वरह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध प्रमुख हैं। और अब इस घनघोर कलयुग में प्रभु कल्कि का अवतार लेकर शीघ्र ही आने वाले हैं। सृष्टि का पालन करते और अंत में आप संहारे। विष्णु का नाम हरि है जब बिगड़े काज सवारे। ये वरा कूर्म और मत्स्य है ग्रीव और वामन, अवतार श्री विष्णु के श्री राम और श्री कृष्ण। जब कल्प का आरंभ होता श्री हरि यहाँ अकेले। था चहूं और तो जल ही जल लेटे थे हरि अलबेले। शेष नाग की शैया श्री हरि शीर सागर सोहे। ऋषि मुनि भक्तन के नित निर्मल मन को वो मोहे। हिरण्य गर्भ भी कहलाते हैं लीला खूब रचाते। पावन कथा सुनाते भक्तों हरि की गाथा गाते। जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि। भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत भक्त वत्सल और दयामय है भक्तों। जब एक गज ने ग्राह के फंद में फंसकर प्रभु को पुकारा तो उसे बचाने चले आए, तो क्या हम जैसे साधारण जीवों पर प्रभु दया नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, बस नाम को सच्चे हृदय से उच्चारना होगा। जीवों पर करुणा दृष्टि श्री विष्णु जी ही करते। जो शरणागत हो जाता खुशियों से झोली भरते। कल्याण उसी का होता जो करते नाम का कीर्तन। है परम दयालु विष्णु चाहे करके देखो सुमिरन। जो महिमा को सुनता वो भव सागर पार उतरता। जो करता वंदन पूजन है उसका भाग सवरता। सब पाप और ताप मिटे भगवान के गुण अनंता। भक्तों के वत्सल विष्णु कहते हैं मुनि जन संता। सर्वोपरि गुण श्री हरि का खाली नहीं लौटाते। पावन कथा सुनाते भक्तों हरि की गाथा गाते। जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि। भगवान ने अलग अलग रूपों में अपने भक्तों की रक्षा की। बालक ध्रुव ने जब भगवान की गोदी में बैठना चाहा तो प्रभु ने उसकी ये इच्छा पूर्ण की। प्रहलाद को अपने पिता के आतंक से भगवान श्री हरि ने नरसिंह बनकर ही बचाया। ऐसे ही भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु आते रहते हैं। है जिसकी भावना जैसी वो वैसा रूप दिखाते। फल आज किसी को मिलता मर्जी से फल दे जाते। मत गोदी में तुम चढ़ना जब मौसी ने ललकारा। की छोटी उम्र में भक्ति को ध्रुव को पार उतारा।
फिर खूब दिखाई, भक्तों की लाज बचाई। प्रहलाद तो बच गया भक्तों, जल गई होली कमाई। इस दुनिया से अनजाने अजामिल बने दीवाने, भव बंधन के फंदे काटे सारी दुनिया जाने। भीड़ पड़े जब जब भक्तों पे दौड़े दौड़े आते, हरिक कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। जब भगवान कृष्ण का रूप भगवान श्री हरि ने धारण किया तो महाभारत के महानायक बने, कंस का अंत कर धरती को पापों से मुक्त किया। उधर जब पापी दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, तब प्रभु ने चीर बढ़ाकर उसकी रक्षा करी थी भक्तों। जब कौरव बने कसाई, था अपना धर्म भुलाया। द्रौपदी के केश पकड़ के वो दुशासन था लाया। वहाँ पांडव भी थे बैठे, थे छोटे बड़े ही सारे। मत ऐसा पाप करो रे, चुप बैठे हुए थे सारे। हाँ हुकुम ये दुर्योधन का, जिसे पूरा करना है। इस भरी सभा में इसका चीर हरण करना है। जब लगे थे चीर खींचने, रोए द्रौपदी नारी। क्या कर ले फिर दुश्मन उसका, बन रक्षक गिरधारी। कभी राम कभी कृष्णा बन के भगवान लाज बचाते, हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। भक्तों भगवान श्री हरि विष्णु इतने करुणामयी हैं कि भक्तों के पुकार पर कुछ भी बन जाते हैं। जब धन्ना जाट ने उन्हें भक्तिवश पुकारा तो उसकी झोपड़ी में शालिग्राम बन उसके साथ महाप्रभु ने वास किया, और गणिका परम भक्तिनी का भी उद्धार भगवान ने ही किया। ये भक्त जनों ने जानी थी गणिका अजब दीवानी, वो निज चरणों में ले ली जब नाम की महिमा बखानी। भक्तों के दुख हरने में विलंब यदि हो जाता, हरि भूल मानते अपनी, ऐसा है प्रेम का नाता। खुद ही क्षमा याचना करते, आन में हो गई देरी। भक्तों की खता नहीं, हरि कहते खता है मेरी। अवतारों की कथा सुनो, इन सब में लिखा पाया। भक्तन के मारे मरते, श्री विष्णु की है माया। जीवों का कल्याण करने में ना कभी देर लगाते, हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। बोलो नारायण हरि, जय जय नारायण हरि। भक्तजनों नारायण हरि के चतुर्भुज रूप का दर्शन करने स्वयं भगवान ब्रह्मा और शिव शंकर भी आते हैं। बीच समुद्र में शेष की शैया पर अधलेटी मुद्रा में भगवान लेटे हैं और माँ कमला चरण दबा रही हैं। ऐसा नयनाभिराम दृश्य कहाँ देखने को मिलता है भक्तों। मैं
मेरे विष्णु जी भगवान की है महिमा अजब निराली। ये तीन लोक गुलशन है, श्री विष्णु जी है माली। रखते हैं ध्यान सभी का, रखते सम्मान सभी का। भक्तन की चिंता रहती, बस इतना काम हरि का। लवण समुद्र के मध्य में भक्तों विष्णु लोक अति प्यारा है। जिनकी दिव्य दृष्टि देखे अजब नजारा। वहाँ वो चार मास तक रहते संग हो लक्ष्मी वासा। जो साचे हैं भक्त हरि के कभी न आए निराशा। ब्रह्मा शंकर अपने अपने लोक से दर्शन पाते। हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाता गाते। जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि। ब्रह्म ऋषि नारद की वीणा भी नारायण नारायण ध्वनि का गुंजान करती है भक्तों। और भक्त वत्सल भगवान सभी को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। क्या देवी क्या देवता वैकुंठ लोक में आकर श्री हरि के नाम का उच्चारण करते हैं तथा उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं भक्तों। ओम नमो हरि नारायण, ये मंत्र जो भी जपता वो भक्त मेरे विष्णु को है बहुत ही प्यारा लगता। श्री विष्णु जी की प्रसन्नता इस मंत्र से हो जाती। जो सिद्ध चाहिए जिसको वो पल भर में मिल जाती। वैकुंठ में ये वास करें और देवता उनको घेरे। संपूर्ण वेदों के रहते जहाँ पे नित्य ही डेरे। धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वहाँ रहता सदा वैराग्य। जो हरि के दर्शन करता खुल जाता है भाग्य। परम दयालु श्री हरि हैं शास्त्र यही बताते। हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाता गाते। जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि। श्री हरि भगवान विष्णु की लीलाएं भी अजब निराली हैं भक्तों। 10 अवतारों के अतिरिक्त उनके मोहिनी अवतार ने जहां एक ओर शिव जी के प्राण बचाए वहीं दूसरी ओर देवताओं को अमृत पान भी करवाया। तो बोलिए मोहिनी अवतार की। जो विष्णु जी का सिंहासन वहाँ अष्ट दल कमल है। रहे सूर्य चंद्र और अग्नि सब पावन और निर्मल है। देवों के स्वामी विष्णु बड़े परम दयालु भगवन। रामा के संग में रहते ये वेद करे हैं वर्णन। कोई जपे वासुदेवाय कोई नमो नमो गाए। श्री विष्णु जिसका भी चाहे पल में काज बनाए। ब्रह्मा जी की लाज बचाते शिव की लाज बचाते। कोई दिव्य पुरुष ही जाने जो लीला हरि रचाते। भक्तों की नैया बीच भंवर में हरि ही पार लगाते। पावन कथा सुनाते भक्तों हरि की गाथा गाते। जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि। तो यह बात सिद्ध हुई भक्तों, श्री नारायण हरि को चाहे जिस रूप में पुकारो, चाहे विष्णु नारायण कहो,
चाहे स्वामी नारायण, चाहे बद्री नारायण, चाहे नमो नारायण, प्रभु अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े दौड़े आते हैं और उनके दुखड़ों का विनाश करते हैं। देवी देवता भगवान श्री हरि के नाम का गुणगान कर रहे हैं। संत मुनि ऋषिजन श्री हरि के नाम का यज्ञ हवन कर उनकी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आप भी श्री हरि की कृपा को प्राप्त कीजिए। बोलिए मेरे साथ, बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु नारायण की। जपो नाम कमल सिंह नित्य, गुरु कर्ण सिंह का कहना, श्री विष्णु की भक्ति बिन यहाँ खाली कभी ना रहना। चाहे भजो राम की माला, चाहे मोहन मुरली वाले, अवतार मेरे विष्णु के कर देंगे खेल निराले। इस दिन पाठ और आरती करता वो विष्णु को प्यारा, इस कलयुग में जान लो भक्तों विष्णु नाम सहारा। ये थोड़ी सी जिंदगानी माटी में मिल जाए, श्री विष्णु की कृपा से वो परम पद भी पाए। नारद जी भी इसीलिए नारायण नाम को गाते, हरि की कथा सुनाते, भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि।